फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ यास्मीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिफ्रेशिंग ठंडा कूल वाटरमेलन मोजिटो की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना के रेडी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने वाटरमेलन ले ली हूँ। बहुत ज़्यादा वाटरमेलन की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से पीसेस लोगे तो भी चलेगा। इसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उन्हें हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे इस तरीके से, और इसके छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। और ये हमारे वाटरमेलन के पीस कट के बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से छोटे पीसेस हमें कट करना है। यहाँ पे मैं एक गिलास मोजिटो बना रही हूँ, उसी के लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ये मैंने एक लेमन ले ली हूँ, जिसमें से हम हाफ लेमन के पीसेस कर लेंगे इस तरीके से स्क्वैश में। इस तरीके से हमें लेमन के चंक्स कट करना है, इससे लेमन का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छे से निकल के आता है। अब यहाँ पे हम एक ग्लास ले लेंगे, जिसमें हमें मोजिटो बनाना है। उसमें जो हमने लेमन कट करके रखा है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद 10-12 पुदीने की पत्तियाँ ले लेंगे, इसे अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड करेंगे। एक पिंच के बराबर इसमें काला नमक ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। पिसी हुई शक्कर की जगह पे यहाँ पे आप शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके की मुसली ले लेंगे, जो खलबत्ते की होती है, इमाम दस्ते की। इसे अच्छी तरीके से कुचल लेंगे। इसे इस तरीके से हमें कुचलना है, मिक्सर में ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद जो तरबूज हमने कट करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और वापस से इसे एक बार और इस तरीके से कुचल लेंगे, जिससे इसका जो तरबूज का रस है, जूस है, वो अच्छे से निकल जाएगा और सारी चीज़ों की जो खुशबू है ना बहुत अच्छे से निकल के आएगी। उसके बाद इसमें हमें बर्फ़ ऐड करना है, आइस। तो आइस को अच्छे से क्रश करके ऐड करें, इससे इसका जो मज़ा है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आइस हमें बहुत सारा ऐड करना है, मैंने थोड़ा सा कम ऐड किया, आप आइस बहुत भर भर के भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आइस को क्रश करके ऐड किया, आप चाहे तो आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसमें हमें कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्प्राइट का यूज़ किया, इसीलिए मैंने जो इसमें शक्कर है 1/2 चम्मच ही ऐड की थी। आप चाहे तो यहाँ पे सोडे का भी यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा ठंडा कूल बिल्कुल रिफ्रेशिंग वाटरमेलन मोजिटो बनके बिल्कुल रेडी है। रेस्टोरेंट वाला लुक देने के लिए यहाँ पे इस तरीके से एक तरबूज का पीस कट करके आप लगा दें, ऊपर से थोड़ी सी इस तरीके से पुदीने की पत्ती लगा दें। लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला मोजिटो। और इसे इस तरीके से ऊपर से थोड़े से मैंने इसमें चंक्स भी ऐड कर दिए तरबूज के, क्योंकि मुझे पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप भी ऐड कर सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स करके ठंडा सर्व करेंगे। यकीन करें, इतना मज़े का लगता है, इतना रिफ्रेश आपको फील होगा ना इसे पीने के बाद। तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने से रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।